प्राइज हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक राठौर। आई एम स्टूडेंट ऑफ जेएनकेवी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा मध्य प्रदेश। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीड स्टोरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सीड स्टोरेज, प्रिजर्वेशन ऑफ सीड विद इनिशियल क्वालिटी अंटिल इट इज नीडेड फॉर प्लांटिंग। द सीड आर कॉन्सेंट्रेटेड टू बी इन स्टोरेज फ्रॉम द मोमेंट दे रीच फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी अंटिल द जर्मिनेशन। अबाउट सीड स्टोरेज, द एबिलिटी ऑफ सीड टू टॉलरेंट मॉइस्चर लॉस अलाउ द सीड टू मेंशन द विजिबिलिटी इन ड्राई स्टेट। स्टोरेज स्टार्ट इन द मदर प्लांट इट्सेल्फ व्हेन इट अटेन्स अ फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड हाइब्रिड एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नेसेसिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज टेक्निक टू प्रिजर्व द सीड। प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज इन्वायरमेंट शुड बी ड्राई एंड कूल। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टोरेज पेस्ट, सीड ड्राई टू सेव मॉइस्चर कॉन्टेंट बिफोर स्टोरिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टोरेज सिस्टम। स्टोरिंग ऑफ हाई क्वालिटी सीड ओनली, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ड्यूरेशन स्टेज ऑफ सीड स्टोरेज। स्टोरेज ऑन प्लांट्स फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी अंटिल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट अंटिल प्रोसेस्ड एंड स्टोरेज इन हाउस, इन वेयर हाउस, इन ट्रांसिट, एग्जाम्पल रेलवे वेगन्स सेट्स ट्रक्स कार्स ईटीसी, इन रेल स्टोरेज, ऑन यूजर्स फॉर्म। टाइप ऑफ स्टोरेज, कुछ टाइप है उनके हिसाब से हम सीड को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि स्टोरेज ऑफ कॉमर्शियल, जैसे कि सर्टिफाइड सीड कॉमर्शियल व्यापारिक तरीके के लिए, स्टोरेज ऑफ कैरी ओवर सीड्स, स्टोरेज ऑफ फाउंडेशन सीड्स, स्टॉक एंड इन्फोर्समेंट सीड सैंपल, स्टॉक के लिए और सीड सैंपलिंग के लिए, स्टोरेज ऑफ जर्मोप्लाज्म सीड, जर्मोप्लाज्म के लिए स्टोरेज करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड लॉन्गेविटी इन स्टोरेज, लंबे समय के लिए सीड को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि काइंड, वेराइटी ऑफ द सीड, सीड की वेराइटी, इनिशियल क्वालिटी ऑफ सीड, सीड की गुणवत्ता किस प्रकार की है, मॉइस्चर कंटेंट, सीड में नमी के क्या प्रतिशत रखा गया है, उसमें कितनी नमी है, आरएच एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, किस टेम्परेचर पर रखा गया है, प्रोविनेंस, फ्लक्चिंग इन्वायरमेंट कंडीशन, किस प्रकार की कंडीशन इन्वायरमेंट में है, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड द सीड, बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, माइट्स एंड रोडेंट्स, बर्ड्स। स्टोरेज के टाइम ये बात इम्पोर्टेंस है कि सीड में जीव जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस प्रकार की एक्टिविटी है, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट या माइट्स या रोडेंट्स आदि सीड की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीड स्टोरेज, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मतलब सहजीविता के रूप में सीड में रहते हैं, जैसे कि सीड्स है, इंसेक्ट हैं या अदर बायोटिक्स है। अबायोटिक्स फैक्टर्स में सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गैस या कॉन्सेंट्रेशन। फैक्टर्स रिलेटेड टू सीड, कुछ फैक्टर्स है जो सीड के साथ रिलेट या जिनका सीधा संबंध है, जैसे कि इनिशियल सीड क्वालिटी, सीड की गुणवत्ता किस प्रकार की है, प्रोवेंस, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सीड मॉइस्चर कंटेंट, सीड में कितना नमी की प्रतिशत मात्रा क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड, सीड की अनुवांशिकता किस प्रकार की रही है, मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग स्टोरेज, मतलब स्टोरेज के समय उसमें सीड में नमी की प्रतिशत मात्रा क्या रखनी चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि लंबी अवधि के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए सीड मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज और स्टोरेज लाइफ, 6 मंथ के लिए सीड में 11-13% नमी की मात्रा होनी चाहिए, 1 साल के लिए देखें तो 10-12% नमी की मात्रा होनी चाहिए, 2 साल के लिए 9-11% नमी की मात्रा और 4 साल के लिए 8-10% नमी की मात्रा,
जितनी लंबी अवधि के लिए सीट को स्टोरेज करेंगे उतना उसमें नमी का परसेंटेज कम होना चाहिए। सेफ सीट स्टोरेज, सीट को स्टोर करते समय में क्या क्या सावधानियाँ या सेफली तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए, जैसे कि सीट मॉइस्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीट स्टोरेज। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफियर। विल स्टोरिंग सीड इन नॉन वेपर प्रूफ कंटेनर्स द सीड मॉइस्चर शुड बी बिटवीन 10 to 12%। विल स्टोरिंग सीड इन मॉइस्चर वेपर प्रूफ कंटेनर्स द सीड मॉइस्चर शुड बी बिटवीन 6 to 8%। द एटमोसफेरिक टेम्परेचर शॉल बी मेंटेन्ड एट 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। एटमोसफेयर टेम्परेचर आर एस शुड बी मेंटेन्ड एट 15% एंड लास्ट स्प्रे मिलीथिन 50 EC। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड स्टोरेज, सीड को स्टोर करने के उद्देश्य। टू मेंटेन इनिशियल सीड क्वालिटी, एग्जाम्पल जर्मिनेशन, फिजिकल प्योरिटी, वेगर ETC, ऑल अलोंग द स्टोरेज पीरियड बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल और इवन बेटर कंडीशन। मतलब कि हमारा उद्देश्य है कि सीड की क्वालिटी में जैसे कि जर्मिनेशन, अंकुरण क्षमता, फिजिकल प्योरिटी, उसकी फिजिकल प्योरिटी और वेगर मतलब अच्छी शुद्धता आदि को लंबे समय के लिए स्टोर करना है बेटर कंडीशन के लिए। सिंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड स्टोरेज इज मेंटेनेंस ऑफ एन एक्सेप्टेबल कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन एंड इमरजेंस, इट कैन ओनली बी अकॉम्प्लिसाइड बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ डिट्रिएशन ऑफ द डिग्री रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्वालिटी फॉर द डिजायर्ड पीरियड। सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज लंबे समय तक सही बना रहना चाहिए। लिमिटेशन, द सेम सम सेम प्रैक्टिसेस आर नॉट होल्ड गुड फॉर द प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर बिकॉज लार्ज क्वान्टिटी टू बी स्टोरेड, बहुत लार्ज क्वान्टिटी में स्टोर करना, एक्सचेंज ऑफ वेराइटीज एंड स्पीसीज, वेराइटी और स्पीसीज का अदला बदली हो जाना, एक्सचेंज हो जाना, और एक्सचेंज ऑफ जीनस, जीनस का भी बदलाव अदला बदली के कारण भी स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है।